नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 10 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देखिए गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म मल्टीमीडिया अवार्ड के बारे में। देखिए प्यारे भारत को ये अवार्ड जो है गोल्डन एंड सिल्वर स्टार एट द इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाता है, जो कहाँ पे होता है, बर्लिन 2023 का, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। दूसरा देखिए हमारा जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, उसको बिल्कुल ये दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये अवार्ड किस चीज़ से संबंधित है, रिलेटेड टू टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ठीक है गाइज। तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में देखिए इस का जॉर्जिया जो है वाज द होस्ट कंट्री, ये बिल्कुल याद रख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद में गाइज हम यहां पे बात करेंगे देखिए इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाता है प्यारा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे मिमेउसेमिया सैलोनिका, जो भी ये नाम है ये है क्या भाई, चर्चा में था, ये क्या है, ये मोथ की स्पीसीज है। मोथ का मतलब होता है जो कीट होते हैं, आपने कभी छोटी तितली देखी होगी जिसको थोड़ा सा हाथ से छेड़ दोगे या थोड़ा सा टच करोगे तो वो मर जाती है, ठीक है। वो मोथ ही उसी को बोलते हैं, कीट की प्रजाति में वो आते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि भैया रिसेंटली ये चर्चा में था ये क्या है, ठीक है, मोथ की स्पीसीज है। और ये कहाँ पर क्या देखने को मिलती है, कलक्कड़ मुडनथुरई, ठीक है, मुंडनथुरई, जो भी आपका नाम प्रोनंसिएशन बोलते हैं आप जैसे भी, तो ये कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में पड़ता है और ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन तमिलनाडु, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। दूसरा ये पार्ट है अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व का भी, ठीक है गाइज, बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर रामचंद्र पौडेल नए प्रेजिडेंट होंगे नेपाल के, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पर बात करेंगे देखिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी बिल्कुल चर्चा में है, तो एससीओ के बारे में बेसिक जो चीजें हैं वो बिल्कुल हमें पता होना चाहिए। यहां पे मैंने इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि हजार बार डिस्कस कर चुके हैं। क्या होगा देखिए, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो होस्ट करेगा 3 दिन की मीटिंग, जो चीफ जस्टिस है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट्स के, तो उनके साथ में मीटिंग करने वाला है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो। तो आपको बिल्कुल एससीओ के बारे में पता होना चाहिए, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि भैया ये परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल, परमानेंट याद रखना, परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी है। इसका मेनली काम है पीस सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन किए रखना। ये कब क्रिएट होता है, 2001 में होता है ना, और एससीओ चार्टर कब साइन होता है, 2002 में, और फोर्स में आता है 2003 में, ठीक है। और इसके अगर हम बात करें प्रायर टू क्रिएशन ऑफ एससीओ 2001 कौन क्या मेंबर थे इसके, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, है ना। तो ये संघाई फाइव के मेंबर जिसे कहा जाता है, ठीक है, 1996 संघाई फाइव आपको याद होगा, हजार बार बहुत बार हमने भी डिस्कस किया है। और जब एक्सेसन होता है किस चीज़ का, उज्बेकिस्तान का इस ऑर्गेनाइजेशन में 2001 में, तो फिर संघाई फाइव क्या बन जाता है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। और इंडिया और पाकिस्तान जो है 2017 में बिल्कुल इसको ज्वाइन करते हैं। और सितंबर 2021 की अगर हम बात करें तो क्या अनाउंस होता है कि ईरान वुड बिकम ए फुल मेंबर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है गाइज। तो देखिए बेसिक चीजें बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव होता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए अवसम डे।